जिले बरेली से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी मिश्रा और उनके पति अजितेश कुमार का शादी से पहले एक संबंध को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, और जो खुलासा हुआ है वह आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा, क्योंकि शायद भी आप भी इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमें खबर हाथ लगी तो हमें भी विश्वास नहीं हो रहा था। हालांकि दुनिया का दस्तूर है और ऐसे में कुछ भी नया नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर एक पवित्र रिश्ते को आप अगर इस तरह का नाम देंगे तो जाहिर सी बातें सवाल उठने तो लाजमी है। नमस्कार, मैं हूँ गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। खबर सामने आई है कि शादी से पहले अजितेश जो था वो साक्षी को अपनी बहन मानता था, और इस बात का सबूत उसके फेसबुक वॉल से मिला है, क्योंकि एक शायद कोई पोस्ट शेयर की गई थी अजितेश की तरफ से, उस पर शीनू यानी कि साक्षी, उन्होंने कोई कमेंट किया था और फिर उस कमेंट पर अजितेश ने कहा था थैंक्स बहना। अभी सिंह नायक, शीनू मिश्रा, थैंक्स बहना, और शीनू मिश्रा ने कमेंट किया था बेस्ट पिक यो यो, और इसके बाद अभी सिंह यानी कि अजितेश ने कमेंट किया था कि थैंक्स बहना, और अब इसी कमेंट पर जो है सोशल मीडिया पर ट्रॉल किया जा रहा है दोनों को और उनके रिश्ते को लेकर, जिस तरह से बातें, अब दोनों पति पत्नी हैं लेकिन एक वक्त अजितेश साक्षी को अपनी बहन मानता था, तो जाहिर सी बात है कि अब ऐसे में बहन भाई का रिश्ते की बात अगर की जाए, बहन भाई का रिश्ता एक बहुत पवित्र रिश्ता होता है, और अगर आप किसी को बहन मानते हैं या फिर आप किसी को भाई मानते हैं तो वो रिश्ता दिल से जुड़ता है, और सिर्फ कहने मात्र से कोई रिश्ता नहीं हो जाता है कि हमने रिश्ता बना लिया, क्योंकि उसके साथ अधिकार और जिम्मेदारियाँ भी आती हैं। अगर आप दोनों चीज़ें उठाने के लिए लायक हैं तभी आप उस रिश्ते को जोड़िए, नहीं तो आप उस रिश्ते से दूर रहिए। तो जाहिर सी बात है अजितेश को लेकर जिस तरह से अब उनकी ट्रॉलिंग हो रही है अजितेश को कि भाई जिसको बहन बनाया उसी से अब शादी भी कर ली, तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं तो है अब उन्होंने एक रिश्ते को बदनाम करने की तो कोशिश कर ही दी है, एक पवित्र रिश्ता जो भाई बहन का होता है उसको भी बदनाम करने की कोशिश की। हालांकि ऐसे मसले बहुत से सामने आते हैं, लेकिन इनके केस में इस तरह का मसला सामने आया है, इस तरह का खुलासा हुआ है, पर्दाफाश हुआ है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हैरानगी तो होगी ही। और साक्षी ये कहती हैं कि वो एक दूसरे को बहुत सालों से जानते थे, एक दूसरे को डेट कर रहे थे, और इसमें मुख्य जरिया उनका भाई विक्की भड़तौल बना था। बहुत सी बातें हैं, जयपुर में मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही थी साक्षी, तो उनका भाई उन्हें छोड़ने जाता था, फिर अजितेश भी उनको छोड़ने जाने लगा, और अजितेश के बारे में कहा जाता है कि वो राजेश मिश्रा के ऑफिस में काम किया करता था, कार्यालय में। तो ऐसे में बहुत सी बातें हैं जो निकल कर सामने आ रही हैं। फिर ऐसे में अगर दोस्त थे तो दोस्त भी कहते कि दोस्ती हुई थी दोनों के बीच में, अजितेश और साक्षी के बीच में, फिर नंबर एक्सचेंज हुए, फिर धीरे धीरे दोनों ने बातें करनी शुरू कर दी। लेकिन ये क्या कि आप पहले बहन मानते थे और फिर आप अचानक से आप उसी लड़की को अपनी पत्नी भी बना देते हैं, वाकई बहुत सोचने वाली बात है। और लेकिन आपको मैं बता दूँ कि ये जिस तरह का ये जो प्रूफ सामने आया है इसकी पुष्टि SPN9 न्यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे पास भी खबर आई है और खबर के मद्देनज़र हम आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं। और ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ, ये बकायदा फेसबुक का वॉल आप मेरे प्रोग्राम में देख पा रहे होंगे जिस पे स्टेटस पे कमेंट किया गया है, तो ये इसकी पुष्टि हम भी नहीं कर सकते कि कितना सत्य है कितना सत्य है, लेकिन हाँ कुल मिलाकर अगर ये बात सत्य है तो भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, और अगर सत्य है तो इस तरह की बातों को कौन फैला रहा है ये भी सोचने वाली बात है। और फिलहाल जिस तरह से ये पूरा मामला नज़र आया है उससे कहीं ना कहीं साफ साबित हो रहा है कि जो अजितेश का इस मामले को लेकर अब सोशल मीडिया पर जमकर मजाक भी उड़ाया जा रहा है, गालियां तो उनको बहुत ही दी जा रही हैं, जाहिर सी बात है। और आप हमारे प्रोग्राम्स में जाएंगे तो बहुत से लोग जो है राजेश मिश्रा का बहुत ज़्यादा समर्थन कर रही है जनता, और उनको एक बतौर पिता हर कोई ले रहा है, जाहिर सी बात है कि हर कोई यही कह रहा है। मैंने जितने कमेंट्स खंगाले हैं, निगेटिव कमेंट को छोड़कर जितने भी कमेंट्स खंगाल के देखें, अधिकतर लोगों का ये कहना है कि जो भी इनका समर्थन कर रहे हैं साक्षी और रितेश का, वो उस जगह अपनी बेटी और अपने बेटे को रखकर देख रहे हैं? अगर वो अपनी बेटी बेटे को देखकर रखेंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें एक पिता का दर्द समझ में आएगा कि उनकी बेटी ने उनके साथ किस तरह का सलूक कर दिया है। और ऐसे में राजेश मिश्रा को जितना भारी समर्थन सोशल मीडिया से लेकर आम से लेकर खास लोगों का मिल रहा है, जाहिर सी बात है इसमें कहीं ना कहीं साक्षी मिश्रा पीछे छूट गई हैं। उन्होंने प्यार किया, उन्होंने दलित से शादी की, ये गलत नहीं किया, उनका काम करने का तरीका गलत था, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और बहुत से लोग तो ऐसे कह रहे कि ऐसी बेटी ना हो, बहुत सी बातें हैं। और शायद साक्षी मिश्रा भी इतनी पढ़ी लिखी हैं, हर चीज़ों को वॉच कर रही हैं, अगर उन्होंने मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है तो उनको कम्युनिकेट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, लेकिन शायद अपने माता पिता से अपने दिल की बात कम्युनिकेट नहीं कर पाएं। ये बहुत बड़ी हैरानगी वाली बात है कि अगर आप पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एक जरिया होते हैं सरकार और जनता के बीच में, सरकार और जनता के बीच में संवाद स्थापित करने के लिए, इसके अलावा जो सामाजिक तौर पे जो दिक्कतें हैं उसको टीवी पर, रेडियो पर, अखबार पर या फिर वेब पर दिखाना, ताकि आपको पता चले कि हमारे समाज में क्या अच्छा घटित हो रहा है, क्या बुरा घटित हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर साक्षी मिश्रा के अंदर पत्रकारिता का गढ़ होता, अगर वो कम्युनिकेशन इतना ही वो जानती थी, मास कम्युनिकेशन अगर वो कर चुकी थी, तो
कम से कम अपने घर में कम्युनिकेशन गैप नहीं रखती, अपने माता पिता से कम्युनिकेशन गैप नहीं रखती, और शायद आज ही परिणाम उनको देखने को नहीं मिलता। फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आई थी कि अदितेश ने एक वक्त जो साक्षी को बहन कहा था, आज वही साक्षी जो है उनकी पत्नी बन चुकी हैं। फिलहाल मैं आपको जाते जाते फिर से कह दूं कि SPN 9 न्यूज़ इस प्रूफ की पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि ये प्रूफ एक खबर के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर बने रहिए आप SPN 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।